नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पोस्टर स्टडी में दोस्तों उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी है बहुत अच्छे से चल रही होगी क्योंकि दोस्तों हमने इससे पहले पी ओ गाइड टू की तो हमने चार क्लासेस देख ली हैं ये हमारी पाँचवीं क्लास है और पी ओ गाइड फर्स्ट वो हमने खत्म कर लिया है अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्ले में जाइए वहाँ पर दोस्तों आपको सारी क्लासेज मिल जाएगी और सभी क्लासेज बिल्कुल फ्री है तो आप वहाँ पर देख सकते हो और दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अब आप अपना स्टडी टाइम थोड़ा चेंज करिएगा मतलब आप अब थोड़ा और ज़्यादा पढ़िएगा डी को टाइम दीजिए रीजनिंग को टाइम दीजिए मैथमेटिक्स को टाइम दीजिए और जीके को भी टाइम दीजिए ठीक है सभी सेक्शन आपने कवर करने हैं एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक है तो ये नहीं सोचना कि हम बाद में कवर कर लेंगे बाद में कुछ नहीं होता है दोस्तों जब आप अभी से तैयारी करेंगे तभी धीरे धीरे रिवाइज हो जाएगा फिर वहाँ पे आपको सिर्फ एक बार लर्न करना होगा और सब आपको याद हो जाएगा जब आप वहीं देखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको याद हो जाएगा और नहीं होगा हंड्रेड परसेंट कह सकता हूँ कि अगर आप एक हफ्ते में तैयारी करने का सोच रहे हैं तो बिल्कुल भी नहीं होगा तैयारी हबी से करिएगा और कंटिन्यू करिएगा ठीक है तो आज हमारी पाँचवीं क्लास है कल हम छठी क्लास देखेंगे और उसके बाद हमारा पे वाई टू खत्म हो जाएगा फिर हम दूसरे चैप्टर को लेंगे ठीक है और साथ में आप हमें ये भी बता सकते हो कि आपके लिए और कौन सी क्लासेस चाहिए वो सब आप कमेंट के माध्यम से भी बता सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया व्हाट्सएप ग्रुप का वहाँ से दोस्तों आप हमें बता सकते हैं ठीक है कोई भी क्वेश्चन से कोई भी प्रॉब्लम हो वो सब दोस्तों आप बता सकते हैं ठीक है तो वीडियो शुरू होने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे द्वारा जितनी भी अपडेट आती है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले ठीक है तो चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर पहला क्वेश्चन दोस्तों आप सभी की स्क्रीन में आ चुका है निःशुल्क प्रभार वितरण सेवा का पूर्व भुगतान डैश को कवर करता है प्री पेमेंट कवर्स डैश ऑन फ्री ऑफ चार्ज डिलीवरी सर्विस तो दोस्तों देख रहे हैं आप जो हमारे क्वेश्चन है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है और हर एक क्वेश्चन के चार ऑप्शन दिए गए हैं आप चाहो तो साथ साथ इसके आंसर भी दे सकते हो और दोस्तों बहुत कम ऑनलाइन आते हैं तो आपको हमने बताया है जो हमारी क्लास होती है बोलती है एट थर्टी पी एम पे ठीक है हम हर बार बोलते हैं एट थर्टी पी एम पे हमारी क्लास होती है तो आप टाइम से आया करो ठीक है लाइव अटेंड किया करो क्लास को ठीक है और अगर आप बाद में भी करते हो तो आंसर दिया करो जब आप आंसर देंगे बार बार फिर दोस्तों ऐसा लगता है कि आप तैयारी कर रहे हैं अगर गलत भी हो जाए इसका मतलब ये नहीं है कि गलत भी हो जाता है तो गलत भी होता है फिर आप हमारे आंसर देखिए क्या मैच होता है या नहीं होता है जब आप ऐसा करेंगे तो सारे क्वेश्चन दोस्तों आपके माइंड में लॉक हो जाएंगे तो कोशिश क्या करो कि बार बार आंसर दिया करो जितने भी लाइव है वो तो देते ही है कुछ एक नहीं देते तो वो भी आंसर दिया करो, ठीक है तो दोस्तों हमने पूछा था आपसे निशुल्क प्रभार वितरण सेवा का पूर्व भुगतान डैश को कवर करता है किस किस चीज को कवर करता है कस्टम ड्यूटी को कवर करता है कस्टम क्लियरेंस फी को कवर करता है डिलीवरी चार्ज को कवर करता है और लगता है वह बिल्कुल सही हो जाएगा तो मोस्टली सभी के आंसर आते एक डी तो जिनका का डी है वो बिल्कुल सही है इसके बाद बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर अकॉर्डिंग टू पोस्ट ऑफिस गाइड टू फॉरन मनी आर्डर सर्विस फ्रॉम इंडिया हिस्सपेंडेड एक्सेप्ट पोस्ट ऑफिस गाइड टू के अनुसार भारत में विदेशी मनी आर्डर सेवा डैश को छोड़कर निलंबित है तो कौन कौन से देश को छोड़कर निलंबित है दोस्तों अकॉर्डिंग टू पीओ गाइड टू नेपाल भूटान और म्यांमार तो इन सब को छोड़कर निलंबित है तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा ठीक है चलो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीन में पूछा गया है एमओ फॉर्म फिल्ड बाय एंड सिग्नेचर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो आपसे पूछा गया है एमओ फॉर्म स्याही और हस्ताक्षर किसके द्वारा भरा जाता है एमओ का मतलब मनी ऑर्डर मनी ऑर्डर फॉर्म किसके द्वारा भरा जाएगा और उसमें इंक या कोई सिग्नेचर है तो वो किसके द्वारा भरा जाएगा तो सभी आंसर दिया करो तो मोस्टली सही आंसर आ रहा है और सभी दिया करो तो रेमिटर के द्वारा भरा जाता है तो बिल्कुल सही है तो रेमिटर होता है दोस्तों यहाँ पे आएगा रेमिटर का मतलब होता है जो उसको बुक कर रहा है मतलब भेजने वाला है पे ही होता है जो उसको रिसीव करता है ठीक है तो ये पॉइंट भी ध्यान दें आप चलो फिर नेक्स्ट है यदि प्रेषक तीसरे व्यक्ति को भुगतान की गई राशि की इच्छा रखता है तो वह पोस्टमास्टर को लिखित रूप में आवेदन कर सकता है ये भी दोस्तों आपको पता होना चाहिए पूछा गया है अगर प्रेषक चाहता है तीसरे व्यक्ति को भुगतान करना है ठीक है वो इच्छा रखता है कि मैंने तीसरे व्यक्ति को भुगतान करना है किसी मैनेडर को तो वह पोस्टमास्टर को लिखित रूप से आवेदन कर सकता है या नहीं कर सकता है वो पूछा गया तो यह भी बिल्कुल सही आंसर आ रहा है करेक्ट सही है अगला देखते हैं भारत में जारी मुद्रा ऑर्डर का भुगतान डैश की मुद्रा में किया जाता है फॉरेन मनी ऑर्डर इशूड इन इंडिया इज पेड इन कंट्री ऑफ इस क्वेश्चन को दोस्तों सबसे पहले तो आप समझें तो देखिए तो जैसे ये नेपाल है ठीक है नेपाल में कोई मनी ऑर्डर बुक होता है कहाँ के लिए भारत के लिए तो आपको पता है नेपाल के जो पैसा है वो इंडिया में नहीं चलता है तो कौन से पैसे में दिया जाएगा यहाँ पे इंडिया में जो भारत की जो मुद्रा है वो दी जाएगी यहाँ पे ये क्वेश्चन है यहाँ पे तो आंसर क्या होगा डेस्टिनेशन कंट्री जो कंट्री के नोट है वही चलेंगे जो जिस देश के है वही चलेंगे ठीक है आई होप समझ गए होंगे इसको अगला क्वेश्चन देखते हैं फॉर एलेट्रेशन और रिफंड ऑफ ए फॉरन मनी ऑर्डर रेमिटर मस्ट अप्लाई इन रिटर्न टू ये भी दोस्तों जाने वे विदेशी मुद्रा ऑर्डर में परिवर्तन या धन वापसी के लिए रेमिटर को डैश को लिखित रूप में लागू करना चाहिए तो पूछा गया है विदेशी मुद्रा ऑर्डर में कोई अगर उसमें परिवर्तन करना है या फिर धन वापसी करनी है तो रेमिटर को किसके लिए लिखना होगा वो लिखेगा पोस्ट मास्टर के लिए कहाँ जिस पोस्ट ऑफिस में उसको बुक किया है ठीक है चलो फिर अगला देखते हैं भुगतान योग्य मनी ऑर्डर के मामले में राशि वापस कर दी जाती है लेकिन कमीशन नहीं केस ऑफ नॉन पेबल मनी ऑर्डर अमाउंट इज रिफंडेड बट कमीशन इज नॉट तो जब आप रिफंड करते हैं किसी मनी ऑर्डर को वापस करते हैं जो उसमें कमीशन लगती है क्या उसको भी वापस दी जाएगी या नहीं दी जाएगी वो पूछा गया है तो आंसर दे सभी तो सही आंसर आ रहा है कमीशन दोस्तों वापस नहीं दी जाती है जो अमाउंट है वही दिया जाता है ठीक है अमाउंट इज रिफंड बट कमीशन इज नॉट कमीशन वापस नहीं दी जाएगी चलो फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आठ है निशुल्क वितरण सेवा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डैश कहा जाता है फ्री ऑफ चार्ज डिलीवरी सर्विसेज इंटरनेशनली कॉल्ड तो क्या कहते हैं दोस्तों निशुल्क वितरण सेवा को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पी एग्जाम में आ सकता है ये तो इसको कहते हैं दोस्तों फैंकी ड्रॉट्स नोट ऑन करें फैंक डी ड्रॉट्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ठीक है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कहते हैं इसको अगला क्वेश्चन है बिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्डनरी मनी ऑर्डर फॉर्म निमन में से कौन सा एक साधारण मनी ऑर्डर फॉर्म है तो दोस्तों हमने पहले भी कहा था क्वेश्चन हम आपके लिए ऐसे ला रहे हैं सभी चुनिंदा क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है आप चाहो तो दोस्तों कोई भी क्वेश्चन किसी भी यूट्यूब चैनल में आपको नहीं मिलेगा आप चाहो तो विजिट कर सकते हो किसी की साइड कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको ठीक है और जितने भी ऑनलाइन हैं सबसे पहले तो क्लास को लाइक करें आप दोस्तों लाइक नहीं करते हैं सो प्लीज़ लाइक करें सभी हमें मोटिवेशन मिलता है दोस्तों जब आप लाइक करते हैं तो फिर लगता है कि हमारा जो वर्क है वो बेकार नहीं जा रहा है मतलब सही हो रहा है जो कर रहे हैं हम वो सही हो रहा है जब आप रिस्पॉन्स ही नहीं देंगे तो फिर लगता नहीं शायद वी आर नॉट डन गुड वर्क हमारे द्वारा अच्छा काम नहीं किया जा रहा ठीक है थीके? तो लाइक या डिसलाइक ज़रूर किया करो ठीक है जब आप लाइक करते हैं तो हमें लगता है कि हम ठीक कर रहे हैं जब डिसलाइक करेंगे फिर हमें लगेगा कि शायद सही नहीं हो रहा है फिर क्लासेस थोड़ी कम करेंगे हम ठीक है तो अपने व्यूज़ जरूर दिया करो और जैसे ही क्लास ख़त्म होती है तो लास्ट में आप अपने कमेंट भी दिया करो कि क्लास आपको कैसी लगती है ठीक है तो आपसे पूछा था निम्न में से कौन सा एक साधारण मनीअर फॉर्म है तो एमओ ये दोस्तों साधारण फॉर्म होता है अगला क्वेश्चन है सेंडर मस्ट डिपॉजिट डैश परसेंट ऑफ द कंटेन इन फ्री ऑफ चार्ज डिलीवरी सर्विस प्रेषक को मुफ्त वितरण सेवा में सामग्री का डैश प्रतिशत जमा करना होगा प्रेषक को मुफ्त वितरण सेवा में सामग्री का कितना प्रतिशत पचहत्तर प्रतिशत जमा करना होगा ठीक है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल सही अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन विशेष मनी ऑर्डर फॉर्म है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेशल मनी ऑर्डर फॉर्म तो कौन कौन से है विशेष मैडर फॉर्म यहां पे एक तो हो जाएगा आपका एमओ सेवन ठीक है एक हो जाएगा एमओ नाइन ये होता है ऑर्डनरी ऑर्डर फॉर्म ठीक है एमओ एट तो हो जाएगा आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी वन एंड थ्री ठीक है अगला है फीस फॉर एडवाइस ऑफ पेमेंट हिज़ पेबल वाई भुगतान की सलाह के लिए शुल्क डैश द्वारा भुगतान किया जाता है किसके द्वारा किया जाएगा भुगतान की सलाह के लिए शुल्क डैश द्वारा भुगतान किया जाएगा स्टाम्प स्टेशनरी चेक नान किसके द्वारा दिया जाएगा फीस फॉर एडवाइस ऑफ पेमेंट इज पेबल बाय स्टाम्प्स स्टाम्प्स के माध्यम से भुगतान किया जाता है ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है और दोस्तों सभी आंसर दिया करो ठीक है चलो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर तेरह में पूछा गया है फीस पर एयरमेल मनी ऑर्डर इज मेड अप ऑफ डैश एंड डैश एयरमेल मनी ऑर्डर के लिए शुल्क डैश और डैश से बना है किस किस चीज से बना होता है वो बताना है आपने एक तो दोस्तों सही आंसर आ रहे हैं Mostly सभी के सही आंसर आ रहे हैं एमओ कमीशन चार्ज एक तो इससे बना होता है और दूसरा एयरमील चार्ज ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है दोस्तों ठीक है तो ध्यान दें इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगला है अब प्रेषक को निशुल्क प्रभार वितरण सेवा में एक घोषणा या उपक्रम पर हस्ताक्षर करना चाहिए डर मस्ट साइन ए डिकलेशन और फॉर्म ऑफ अंडरटेकिंग इन फ्री ऑफ चार्ज डिलीवरी सर्विस तो क्या करना होता है या नहीं करना होता है सेंडर मस्ट साइन ए डिकलेशन फॉर्म और फॉर्म ऑफ अंडरटेकिंग इन फ्री ऑफ चार्ज डिलीवरी सर्विस तो करेक्ट हो जाएगा करना होता है ठीक है आगे देखते अब अगला क्वेश्चन शाखा कार्यालय में विदेशी मनी ऑर्डर की बुकिंग के बाद इसे परीक्षा के लिए खाता कार्यालय को भेज दिया जाता है आफ्टर बुकिंग ऑफ फॉरन मनी ऑर्डर एट ब्रांच ऑफिस इट इज़ फॉरवर्ड टू अकाउंट ऑफिस फॉर एग्जामिनेशन क्या दोस्तों भेजा जाता है या नहीं भेजा जाता है शाखा कार्यालय में अगर कोई विदेशी मनी ऑर्डर बुक किया जाता है इसको एग्जामिनेशन के लिए अकाउंट ऑफिस भेजा जाएगा या नहीं भेजा जाएगा तो ये भेजा जाएगा ठीक है करेक्ट हो जाएगा ये आपका इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन नंबर सोलह है बी पी हिज रिटर्न ऑन बीपी डैश पर लिखा जाता है तो अगर आपने किसी ऑफिस से अगर आपने बीपी करनी है फॉर एग्जांपल ये लेटर है हमारा इसको आपने बी पी करनी है ठीक तो आप कहाँ पे लिखेंगे बी पी वो पूछा गया है यहाँ पे वो आपने बताना है तो सभी आंसर ये बी पी आप कहाँ पे लिखेंगे कि ये बी पी है तभी पता लगेगा जब आप उस पर नोट डाउन करेंगे या बी पी है या पार्सल है या रजिस्टर है या स्पीड पोस्ट है तभी पता लगेगा तो बी पी लिखेंगे आप अपर लेफ्ट कॉर्नर तो इधर आप लिखेंगे ठीक तो है लेफ्ट साइड अपर लेफ़्ट हैंड कॉर्नर ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा ठीक है चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं इंश्योरेंस वैल्यू नेवर एक्सीड रियल वैल्यू बीमा मूल्य कभी भी वास्तविक मूल्य से अधिक नहीं होता है तो ये तो आप सभी को पता है जो इंश्योरेंस होती है जो आर्टिकल की होती है एक्चुअल होगी ही की आप कर सकते हैं एक्सीड नहीं कर सकते उससे ज्यादा नहीं कर सकते हैं तो ये ट्रू हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट है विदेशी बीपी और सीओडी सेवा में निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु की अनुमति नहीं है विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स आर नॉट अलाउड इन फॉरन बीपी एंड सी सर्विस तो अगर आप फॉरन के लिए कोई बी पी भेजते हैं या फिर सी भेजते हैं तो क्या क्या चीजें उसमें अलाउड नहीं की जाएगी एक तो आप कूपन टिकट सर्टिफिकेट ये सब नहीं भेज सकते हैं तो आपका सही आंसर हो जाएगा सभी का बिल्कुल सही आंसर आया अठारह का डी सही है दोस्तों ये सेम एज इंडिया इंडिया में भी सेम ऐसा ही चलता है ठीक है चलो फिर अगला क्वेश्चन है आयात और निर्यात नियंत्रण अधिनियम के अनुसार कुछ मूल्य में अधिक के सामान को लाइसेंस की आवश्यकता होती है अकॉर्डिंग टू इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट गुड्स एक्सीडिंग सर्टेन वैल्यू नीड्स ए लाइसेंस तो बोलिए दोस्तों आयात और निर्यात नियंत्रण अधिनियम के अनुसार कुछ मूल्य में अधिक सामान को लाइसेंस की आवश्यकता होती है तो ये दोस्तों होती है ठीक है यस yes हो जाएगा ये ठीक है नेक्स्ट है अब हु इज ऑथोराइज टू इश्यू रिसीव फॉर कस्टम ड्यूटी कस्टम ड्यूटी के लिए रसीद जारी करने के लिए कौन अधिकृत है ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको पता होना चाहिए कौन ऑथराइज है कस्टम ड्यूटी के लिए कौन रिसिप्ट भेजेगा कि इसमें कस्टम ड्यूटी लगेगी एक तो एफ पी ओ और दूसरा एच ओ ठीक है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा एफ पी ओ का मतलब होगा फॉरेन पोस्ट ऑफिस दूसरा एच ओ हेड ऑफिस ठीक है तो आज देखें हमने दोस्तों यहीं रोक लेते हैं आज की क्लास तो आज देखें टॉप ट्वेंटी क्वेश्चन कल हमारी लास्ट क्लास होगी तो आई होप सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ गए होंगे और दोस्तों सबसे पहले वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उन्हें भी पता लगे कि क्वेश्चन कैसे आते हैं ठीक है चीके? और जो चैनल मैं पहली बार विजिट कर रहा है, वो चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में आइकन को प्रेस करें ताकि उन्हें भी नोटिफिकेशन मिलता रहे ठीक है और अगर आप अभी तक हमारे सोशल मीडिया जैसे फेसबुक टेलीग्राम इंस्टाग्राम व्हाट्सएप से अगर नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक दिया गया है वहाँ से दोस्तों आप फॉलो कर सकते हैं ठीक है कोई भी डाउट हो वो सब दोस्तों वहाँ से आप हमें डायरेक्टली पूछ सकते हैं ठीक है so, सो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं थैंक फॉर वॉचिंग मिलते हैं अगली क्लास के माध्यम से